आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। पत्रकार सुभाष कुमार हत्याकांड में तूल पकड़ते मामले की गंभीरता को देखते हुए बेगूसराय के एसपी ने खुद संभाली कमान, कहा हत्या में चार लोग शामिल, जल्द होंगे गिरफ्तार। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। पत्रकार सुभाष कुमार हत्याकांड, बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार बोले चार लोग हत्या में शामिल हैं, जल्द होंगे गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में एक निजी चैनल के पत्रकार सुभाष कुमार की हत्या कर दी गई थी। पत्रकार सुभाष कुमार हत्याकांड को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बेगूसराय जिले के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने खुद कमान संभाल ली है। बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि इस मामले में संलिप्त लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चार लोगों को हत्या में शामिल होने की पहचान की गई है। तीन एवं चार कारण मुख्य रूप से सामने आए हैं। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। बखरी डीएसपी के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई है। जल्द ही सभी अपराध बदमाशों को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने का काम पुलिस करेगी। वैसे इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं उनका गांव दूर नहीं है, आसपास के ही लोग हैं। सभी की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी भी जल्द ही की जाएगी। शुक्रवार रात बखरी प्रखंड में एक निजी चैनल के पत्रकार सुभाष कुमार की हत्या कर दी गई। शाखों में घर के पास बदमाशों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज पोस्टमार्टम के बाद प्रेस क्लब में पत्रकारों ने सुभाष कुमार की श्रद्धांजलि देकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पत्रकारों में गुस्सा है। इस घटना को लेकर स्थानीय पत्रकारों में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। उनका कहना है कि अगर पत्रकार पर इस तरह से हमले होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। बता दें कि इससे पहले भी राज्य में कई जगह पर पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। इत्यादि बेगूसराय जिले से दिलीप यादव की रिपोर्ट। पत्रकारों पर हमला क्यों, जवाब देना होगा। शासन की सरकार मुर्दाबाद। आखिरी के पत्रकार सुभाष कुमार की हत्या क्यों, पुलिस प्रशासन सरकार जवाब दो। अरे अपराधियों को गिरफ्तार करना होगा। आश्रितों को 50 लाख रुपया मुआवजा देना होगा। आश्रितों को सुरक्षा देना होगा। नहीं तो इंकलाब जिंदाबाद। आज तो हम एक हैं। नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिंदाबाद। पत्रकार संघ जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद। पत्रकारों की हत्या क्यों, जवाब दो। पत्रकारों पर हमला नहीं सहेंगे। पत्रकारों पर हमला नहीं सहेंगे।